प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने उ व ऊ की मात्रा को पढ़ना व लिखना सीखा था। आज आप पढ़ेंगे एक सुंदर सी कहानी। क्या पढ़ेंगे आज आप? आज आप पढ़ेंगे एक सुंदर सी कहानी। कहानी का नाम है जूही की गुड़िया। क्या नाम है कहानी का? कहानी का नाम है जूही की गुड़िया। तो अब आप अपनी हिंदी की बुक उत्कर्ष का पेज नंबर 31 खोलिए। पार्ट 3, जूही की गुड़िया। रविवार का दिन था। किसका दिन था? रविवार का। जूही और शुभ झूला झूल रहे थे। कौन कौन झूला झूल रहे थे? जूही और शुभ झूला झूल रहे थे। बुआ जी ने कहा। किसने कहा? बुआ जी ने। क्या कहा? बाहर धूप है। बुआ जी ने कहा बाहर धूप है, भीतर आओ, कुछ नया किया जाए। बुआ जी कुछ सामान ले आई। क्या ले आई बुआ जी? कुछ सामान ले आई। जूही और शुभ भी आ गए। कौन कौन आ गए? जूही और शुभ भी आ गए। बुआ जी ने एक, अब यहाँ पर देखो चित्र में क्या बना है, चम्मच बनी है। तो बुआ जी ने एक चम्मच ली, उस पर ऊन के बाल लगाए। किसके बाल लगाए? उस पर ऊन के बाल लगाए। यहाँ पर इसको इसी तरह कर लीजिए, स पर बड़ी की मात्रा लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? इसी तरह काली लाल बिंदी, काली लाल बिंदी भी लगा दी। कौन कौन सी बिंदी लगाई? काली और लाल। झुमका माला और एक एक चूड़ी पहनाई। क्या क्या पहनाया? झुमका माला और एक एक चूड़ी पहनाई। गुड़िया की कुर्ती और घाघरा भी बना दिया। क्या क्या बना दिया? गुड़िया की कुर्ती और घाघरा भी बना दिया। अब गुलाबी चुनरी उड़ा दी। और क्या किया? उसको गुलाबी रंग की चुनरी भी उड़ाई। तो अब गुलाबी चुनरी उड़ा दी। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया बन गई। जूही और शुभ बहुत खुश हुए। कौन कौन खुश हो गए यहाँ पर? जूही और शुभ। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उनकी बुआ जी ने उनके लिए एक सुंदर सी गुड़िया बना दी थी, तो इसलिए जूही और शुभ दोनों बहुत खुश हुए। मैंने यहाँ कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया, यानी के है ना। तो जैसे रविवार है, जूही, शुभ, झूला, धूप, कुछ, बुआ, सामान, बिंदी, झुमका, चूड़ी, गुड़िया, कुर्ती, घाघरा, गुलाबी, चुनरी, खूबसूरत और खुश। मैंने इन शब्दों को रेखांकित किया है। क्यों किया है? क्योंकि यह कठिन शब्द हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ रेखांकित किया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और साथ ही जो रेखांकित शब्द हैं उनको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना भी है और अपनी बुक में क्या करना है? रेखांकित करना है इनको, ताकि आपको इन सभी शब्दों को अच्छी तरह से लिखना व पढ़ना आ जाए। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप कराए गए कार्य का अभ्यास करें। धन्यवाद।